सीनियर तजिया कार हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। जाहिद हुसैन साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, बलूचिस्तान के हालात आजकल अब आप देखते हैं, भारत का नाम लिया जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट जिसमें 15 पंजाबियों के हवाले से बात सामने आई, आप क्या समझते हैं, क्या हुआ वहां पे, भारत का हाथ वहां पे मौजूद है? बीएलए कहती है कि जी हम कर रहे हैं, उनको भी किसी की सपोर्ट होगी, और अंडरलाइन कॉजेज आप क्या समझते हैं इस हालात के? देखिए, जो वाकया है ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, और इसमें जो है एक इससे पहले भी इसी किस्म की चीजें होती रही हैं, जो नस्ली बुनियाद पे वहां पे जो है लोगों का कत्ल भी किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो है 18-19 जो लेबरर्स थे जो काम कर रहे थे वहां पे, जो उसका ताल्लुक सिंध से था, उनको भी इसी तरह से मारा गया था, बोलान में वो टारगेट किलिंग का वाकया हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है यानी मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि दहशत गर्द जो है उनका अब निशाना जो है वो लोग हैं जो कि बेचारे नहत्ते लोग हैं, उन पे ज्यादा अब जो है ये लगता यही है ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पे वो देखते हैं वहां पे उसको जो है निशाना बनाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत।